एंटीरियरली भी, यानी इसमें याद रखना सी आर से, ठीक है, इसका भी एंटीरियरली सी आर है, ठीक है, फोर्थ का भी एंटीरियरली सी आर है, ठीक है। तो सी आर क्या है कि मतलब एक तो हमारे पास सी से क्या आ रहा था, मैंने बताया था कॉइल्स ऑफ जिजनम, ठीक है, और आर से आ रहा था रूट ऑफ मेजेंट्री, ठीक है, तो रूट ऑफ मेजेंट्री आ गई। और इसमें एक एक्स्ट्रा था बस, क्या है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो हमारे पास आ रही थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, पोस्टेरियरली देख लेते हैं, इसके पोस्टेरियरली क्या क्या आ रहा है हमारे पास, ये थर्ड पार्ट है, इसका पोस्टेरियरली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो इतना भी नहीं, मतलब बस देखना है, ठीक है। यानी ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसके पोस्टेरियरली अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी ये मैंने एंटीरियरली थर्ड पार्ट ड्रॉ किया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ये देख लेते हैं बस, ये तो यानी ये हमारे पास श्वास मसल है हमारे पास, ठीक है, ये श्वास मसल है, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसके पोस्टेरियरली अब हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट के पोस्टेरियरली क्या क्या है। ये श्वास मसल है हमारे पास, ठीक है, ये राइट यूरेटर है हमारे पास, ठीक है, ये राइट यूरेटर है, ये गोनेडल आर्टरी है, ठीक है, मेल्स में जो होगी हमारे पास गोनेडल आर्टरी होगी और फीमेल्स में ओवेरियन आर्टरी होगी, ठीक है हमारे पास, ठीक है, ये गोनेडल आर्टरी ओवेरियन आर्टरी, उसके बाद इन्फीरियर वेना कैवा, उसके बाद अयोटा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि लेफ्ट श्वास और लेफ्ट यूरेटर और लेफ्ट गोनेडल आर्टरी इस तरह शुरू हो जाएंगे, यानी इसी तरह साइड बाई साइड रिलेशन में जा रही है, जिस तरह एक पीछे थर्ड पार्ट जो होता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट जो होता है ना मोस्टली अयोटा तक एंड कर जाता है, ठीक है, अयोटा तक एंड कर जाता है, उसके आगे फिर रिलेशन वैसे बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी राइट श्वास, राइट यूरेटर, ठीक है, उसके बाद राइट वो राइट गोनेडल आर्टरीज, ठीक है, और इंफीरियर वेना कैवा और अयोटा, ठीक है। अब अयोटा के लेफ्ट से जो मैं बता रहा था ना, इधर मैंने बताया था अयोटा बनाई थी ना, अयोटा के लेफ्ट